हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी एक मैसेज हर जगह मैं देख रहा हूँ, यूट्यूब कमेंट में भी, टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सअप करके भी पूछ रहे हो, खास करके तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कर रहे हो कि कोस्ट गार्ड की तैयारी छोड़ दो, एग्जाम में सेटिंग हो रहा, पेपर भेज दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बच्चा कमेंट करके पूछ रहा था, सर एक बात बताओ मेरे को कि अगर मान लो एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया, तो क्या मेरी सीट भी किसी और को भेज देंगे? आप लोग कमेंट करके पूछ रहे थे। पहली बात, ये सारी अफवाह है। मैं आपको कोस्ट गार्ड की एक रियलिटी बताता हूँ, कोस्ट गार्ड कितना फेयर एग्ज़ाम कराता है, और आपको मैं प्रूफ दूंगा यहाँ पे, ठीक है? कुछ लोगों का रिजल्ट देख के, और एक ऐसा टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, हमारे एटीट्यूड स्टडी टेलीग्राम ग्रुप में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स बात कर रहे थे, एक स्टूडेंट को छाटे हुए स्टूडेंट को दोबारा बुलाया गया था कोस्ट गार्ड के द्वारा, ठीक है? तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी क्लियर होती है कि कोस्ट गार्ड बिल्कुल नीट एंड क्लियर हर चीज़ को करा रहा है। अगर ऑनलाइन कैफे वाले बदमाशी करें, उसमें कोस्ट गार्ड की हाथ नहीं है। जैसे पिछली बार ऑनलाइन कैफे वाले क्या करते हैं, सेटिंग कर रहे थे कहीं पटना, या फिर पटना में नहीं, मुजफ्फरपुर में, तो फिर से उसको कैंसिल करा के फिर से एग्ज़ाम कराया गया था। तो इस चीज़ को एग्ज़ाम के टाइम पे माइंड में मत आने दो कि सेटिंग होता है, कुछ नहीं होता। सेटिंग जहाँ पे होता है वो तुरंत पकड़ के उसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल नीट एंड क्लियर जो होता है ना, नीट एंड क्लीन आपका एग्ज़ाम हो रहा है, और बढ़िया तरीके से, फेयर तरीके से कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम कराया जा रहा है। अगर उनको इस तरीके से नहीं कराना होता तो ऑफलाइन ही करा लेते, ठीक है? जिसमें क्या होता था, ऑफलाइन में ना ज़्यादातर, मैं जहाँ तक जानता हूँ, नहीं हूँ कन्फर्म, बट सुना था मैंने कि जब ऑफलाइन होता है तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है ना कि अपने लोग ही उसमें सिलेक्शन ले पाते थे। बट ऑनलाइन एग्ज़ाम होने का यही एक फ़ायदा है कि इसमें किसी का पक्षपात नहीं कर सकते हम लोग, जो एग्ज़ाम क्रैक करेगा उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है? तो इस बात के लिए बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहो। मैं बहुत सारे प्रूफ्स दिखाता हूँ आपको पहले तो, बट उसके पहले मैं आपको एक बुक के बारे में बताना चाहूँगा, अगर तैयारी कर रहे हो दबा के, तो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आपको इस पब्लिकेशन की, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से एक बुक बता रहा हूँ मैं आपको, नाविक GDP यांत्रिक की सेक्शन 1 की बुक है, कंप्लीट स्टडी गाइड बुक, जिसमें आपको सिंगल बुक के अंदर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GK साइंस सब मिल जाएगा। और इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, हिंदी मीडियम में बुक है। जो लोग तैयारी को बढ़िया करना चाहते हैं इस बुक को लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस को, जिसमें आपको 3000+ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है? और इस बुक की खास बात यह है ना कि जैसे ही आपको मैं कुछ दिखाता हूँ, इस एक सिंगल बुक के अंदर जैसे जो भी चीज़ें दी गई हैं बिल्कुल भी चैप्टर वाइज, अगर आपको रीजनिंग चाहिए तो बिल्कुल चैप्टर वाइज रीजनिंग मिल जाएगी, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा अगर आपको मैथमेटिक्स चाहिए बिल्कुल भी मिल जा रही है, इंग्लिश चाहिए बिल्कुल भी, आपको चैप्टर वाइज हर चीज़ें मिल रही है, जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज, बिकॉज बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद वहाँ से क्वेश्चन हमको नहीं मिल पाते, तो इस बुक में आपको मिल जाएगी, चक्षु की इस बुक में, ठीक है? सेक्शन 1 की सिर्फ ये बुक है, चाहे आप GD के दो, चाहे DV के दो, या यंत्री के दो, और इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। तो इस बुक को बाई करके आप अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि देखो सिलेक्शन में क्या प्रोसेस है। पहली बात तो ये कि अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है ना कि हाँ कहीं ना कहीं सेटिंग होता है, तो एकदम बिल्कुल भी क्लियर कर लो कि नहीं होता है, ठीक है? क्या होता है भाई, नहीं होता है। मैं प्रूफ दिखाऊँ आपको, रुको, पहले मैं ढेर सारा रिजल्ट दिखाता हूँ आपको। पहले एक DV का रिजल्ट देखो यहाँ पे, WS के बच्चे का, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, रिजल्ट दिखाने का पर्पज़ क्या है। अब जिस बच्चे का रिजल्ट आ रहा है अपने दम पे, वो मेरे से मतलब वही कांटेक्ट करेगा, जिसका सेटिंग से रिजल्ट आ रहा है वो किसी से, किसी यूट्यूबर को या फिर किसी को जाके थैंक यू वैंक यू नहीं बोलने वाला। पहली बात तो ये, ना तो स्क्रीनशॉट भेजेगा, जो चोरी करते हैं ना वो चुपचाप करते हैं, सबको ढिंडोरा नहीं पीटते। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि ये वो बच्चे हैं जो बिना किसी सेटिंग के एग्ज़ाम क्रैक करके यहाँ पे रिजल्ट शो कर रहे हैं, ठीक है? फिजिकल मैप आउट हो जाओ तो इसमें कोई चोरी नहीं होता, वो आपके, आप पे डिपेंड करता है फिजिकल का आपने कितना तैयारी किया। तो ये पहला रिजल्ट था DV का, EWS के बच्चे का, ठीक है? और दिखाता हूँ मैं, और दूसरे का छोड़ो, मेरा खुद का देख लो। GD से मैंने फिल किया था, और ये CGCAT का है Stage 1 का, ठीक है? मैं आपको Stage 2 का एडमिट कार्ड दिखाता हूँ, रुको। दूसरे के तो बाढ़ में जाए, आप फोटो वोटो भी देख सकते हो, नाम भी देख सकते हो, मैं दूसरे के बारे में नहीं बात कर रहा। कोस्ट गार्ड कितना फेयर तरीके से कराता है ये चीज़ मेरे को पता है, बिकॉज मैंने खुद एग्ज़ाम दिया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, रुको। यहाँ पे आप देख सकते हो, इवन रजिस्ट्रेशन नंबर भी देख लो, क्योंकि मेरे को तो एग्ज़ाम बस क्रैक करने से मतलब था, आगे कुछ जाने से मतलब नहीं था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो धीरज कुमार, रजिस्ट्रेशन नंबर इतना, OBC से बिलोंग करता हूँ, और GD के लिए अप्लाइड था। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, शॉर्ट लिस्टेज Stage 2, ठीक है? अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आप मैच करा लो, मैं आपके Stage 1 के एडमिट कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हो यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिला लो, मैंने यहाँ पे कुछ हाइड कर रखा, बिकॉज मेरा पैन नंबर यहाँ पे है, वो चीज़ें मैंने छुपा दी है, वो सभी चीज़ें तो मैं नहीं दिखा सकता ना किसी को, पैन नंबर वगैरह वगैरह, तो ये सब चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। तो मेरे को ये चीज़ बिल्कुल भी बढ़िया था कि कोस्ट गार्ड में कुछ भी बेमानी नहीं होता। अच्छा, ये तो नमूना रहने, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट उसको कंटिन्यू करने से पहले मैं कहूँगा कि अगर आपने हमारी साइंस की top 500, रीजनिंग की top 500, इंग्लिश की, वोकेबलरी की top 500 और मैथ की top 500 PDF को लेकर नहीं पढ़ा अभी तक, तो एग्ज़ाम से पहले पढ़ लो, इनको व्हाट्सअप पे बाई करो। देखो इसी तरीके से व्हाट्सअप पे सेंड कर दिया जाता है सबको, तो व्हाट्सअप पे बाई करने के लिए आप हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर बताता हूँ, ध्यान से लिख लो,
7279। अच्छा यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा है, रुक जाओ मैं आपको ना सही से लिखता हूँ ताकि आप बाई कर पाओगे। 7279047787 पे। और इन सारी पीडीएफ्स को एग्ज़ाम से पहले आप दो बार पढ़ के जाओ, मैं गारंटी देता हूँ ना कि आपका एग्ज़ाम जो अभी प्रिपरेशन है ना इसको दो बार बढ़िया से पढ़ लो कि अभी टाइम है, लिमिट टाइम के अंदर मैथमेटिक्स का दो बार बना लो, साइंस पूरा रट डालो, वोकैबुलरी पूरा रट डालो, रीजनिंग दो बार बना लो, मैथ पूरा दो बार बना लो। मैथ में तो वीडियो सॉल्यूशन का लिंक भी मिलेगा। आप एग्ज़ाम में पहले से 50-60% ज़्यादा स्कोर करोगे। पहले अगर आप मान लो छोड़ो ना परसेंटेज की बात पर ख़त्म करते, अगर मान लो आप 30-35 पे थे ना तो ऑब्वियसली आप आराम से 8-10 नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा आपका अगर इसको बढ़िया से पढ़ लेते हो तो। बिकॉज साइंस आपका बढ़िया हो जाएगा, वोकैबुलरी बढ़िया हो जाएगा, मैथ के कॉन्सेप्ट समझ जाओगे जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए टाइप समझ जाओगे, रीजनिंग 100% हमारे पीडीएफ के पैटर्न पे आएगा, मैथमेटिक्स 95% हमारे पीडीएफ के पैटर्न पे आएगा, साइंस 70-75% हमारे पीडीएफ से आने वाला है, वोकैबुलरी भी 80% के आसपास हमारे पीडीएफ से आएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं पहले खुद एग्जाम देता हूँ, क्रैक करता हूँ, उसके पैटर्न को जानता हूँ, उसके बाद जाके मैं आपको पढ़ाता हूँ। और इसी यही चाहे ना कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों को रिजल्ट भी देता हूँ। इस बार देखो एयरफोर्स में भी दबा के रिजल्ट हुए थे, मैं सब दिखा देता हूँ आपको। और पिछली बार का है ये, उसी टाइम का स्क्रीनशॉट लिया गया है, ठीक है, या फिर रहने दो इस चीज़ को, मैं जो चीज़ इंपॉर्टेंट था मैं वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए। इस बार जब एयरफोर्स का रिजल्ट आया ना तो पता चला कि लास्ट में जो पीडीएफ पढ़ के हमारे गए थे वो एक्स ग्रुप से रिजल्ट नहीं हो पाया, उनका सारे वाई ग्रुप से रिजल्ट होने वाले यहाँ पे भरे पड़े थे, दिख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है जो कि वाई ग्रुप से हुआ, उनका एक्स ग्रुप से नहीं हो पाया, वो सारा हमारे पीडीएफ का कमाल था और उनकी मेहनत का। तो ये जो टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे, ठीक है, ए टू जेड स्टडी। अब देखो मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ ग्रुप में। अब ए टू जेड स्टडी ग्रुप में ना इवांस नाम के एक बच्चे, उन्होंने मैसेज किया था, सर मैं कोस्ट गार्ड नाविक जीडी फेज टू में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आउट था। देखो फिर जब इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट किया होगा ना तो इन्होंने इनके दिमाग में यही चल रहा है, चलो सेटिंग वेटिंग के चक्कर में ना मेरे को छाट दिया इन्होंने, मेरे जगह पे किसी और को बैठा लिया होगा, इनके दिमाग में यही चल रहा होगा पक्का, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, पीएफटी पास हो गया था, मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिर मेरा वहाँ मेडिकल नहीं लिया गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में आउट की वजह से, इनको डॉक्यूमेंट में आउट करके मेडिकल लिया ही नहीं गया इनका, तो इन्होंने सोचा होगा जरूर, इनके माइंड में मैं बोल रहा हूँ ना आया होगा कि सेटिंग कर लिया इन्होंने, ठीक है। बट बाद में क्या हुआ ना, देखो डॉक्यूमेंट्स में आउट किए करने की वजह से, ठीक है, फिर मुझे 40 डेज बाद नोएडा हेडक्वार्टर्स से कॉल आया मेडिकल के लिए 23 फरवरी को, अब मैं मेडिकल फिट हूँ। इनको फिर देखो कॉल करके बुलाया गया कि यहाँ पे जो है ना आप मेडिकल के लिए आ जाओ, और इनको मेडिकल में फिट किया गया, ठीक है। टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आउट कैंडिडेट्स में से 6 कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए बुलाया गया था, सभी को मेडिकल फिट कर दिया। सर क्या अब मेरी मेरिट आने की चांसेस है? अब देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे शायद कुछ जेन्युइन रीज़न रहा होगा ताकि तभी कोस्ट गार्ड वालों ने कॉल करके बुलाया, ठीक है। ये चीज़ मैसेज आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप में देखा होगा तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा देखे कि कोस्ट गार्ड इतना बढ़िया काम कर रहा है कि जो बच्चे ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से जिनको माइनर चीज़ों में देखो छाट देता है वो, बाद में उनको लगता है कि नहीं नहीं इस रीज़न से नहीं छाटना चाहिए था तो वो कॉल करके भी बुला रहे। अगर उनको सेटिंग करना होता, आपकी जगह किसी और को बैठाना होता तो इनको कोई पूछता भी नहीं फिर दोबारा। देखो इनका मेडिकल नहीं लिया गया था, दोबारा बुला के मेडिकल लिया उन्होंने, इनको मेडिकल में फिट भी किया बिकॉज वो फिट होंगे तब फिट किया, और अब उनकी जो है ना मेरिट लिस्ट भी आने वाली होगी। रिसेंट की ये मैसेज है इनके, देख लो ए टू जेड स्टडी ग्रुप का ही है, आप देख सकते हो कहीं विदेश की नहीं है ये, और इवान सभी भी ये ग्रुप में होंगे, इनसे जाके आप पूछ सकते हो, ये बिल्कुल भी जेन्युइन स्क्रीनशॉट है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब फेक नहीं है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाओगे, कोस्ट गार्ड फेक काम नहीं कर रहा, बहुत ही प्रॉपर वे में काम कर रहा है। मेरे को तो बहुत प्राउड होता है कोस्ट गार्ड के ऐसे मैसेज देख के कि सच में कोस्ट गार्ड इतना जेन्युइन काम कर रहा है, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ है कि शायद ही किसी संस्था में इस तरीके से दोबारा कॉल करके किसी को भी बुलाया गया होगा। मैं बताऊँ आपको जेन्युइनली, हम लोग एक बार गए थे मुजफ्फरपुर CRPF कैंप में, हमारा मेडिकल चल रहा था एक बार, मैं बता रहा हूँ आपको, उस मेडिकल में ना कम से कम 50 जगह नंबर भरवाए गए होंगे, बट ज़रूरत तो हमारी पड़ती थी कभी कभार वहाँ पे, लेकिन उन्होंने एक बार भी कॉल नहीं किया था। अब मेरे को समझ नहीं आया, 50 जगह नंबर भरवा रहे हैं फिर भी जहाँ पे ज़रूरत हो बिना कॉल किए आप अगर लेट होते हो तो आपको डांट सुनना पड़ता था। भाई जब नंबर ले रखे तो एक बार बता भी देना था ना उनको कि यहाँ पे अर्जेंट आपका काम है, तो उन्होंने एक बार काम नहीं किया, मतलब कॉल नहीं किया। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो आप कोस्ट गार्ड के अंदर क्या चल रहा है कि उनको कॉल करके बुलाया भी गया, मेडिकल भी फिट कराई गई, और अब फाइनली उनका क्या होगा, अगर मार्क्स ठीक ठाक होंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये चीज़ ध्यान में रखना कि कोस्ट गार्ड वाले उन्होंने सही बोला था, जरा भी मिस्टेक पर तुरंत आउट कर देते, तो डॉक्यूमेंट्स अपना टंच करके रखना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिपरेशन पे जाना लगाओ, मोटिवेटेड रहो, पॉजिटिव थॉट रखो अपने पास, ये नहीं सोचना कि कोस्ट गार्ड में सेटिंग बिल्कुल नहीं होता, मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं होता ऐसा, ठीक है, बिल्कुल मैं ये चीज़ पर विश्वास ही नहीं कर सकता।
खैर व्हाट्सअप करके आप बाई कर सकते हो 7279047787 पे। आप सोचते हो ना कि सब बात पे मार्ट साहब आप मार्केटिंग करते हो, भाई देखो क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग अलग जगह है, बढ़िया कंटेंट आपके पास पहुंचाना मेरा काम है। मैं चाहता हूँ ना कि देखो कम प्राइस पे आप हर बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आप पे पहुंचे, प्रिपरेशन दबा के करो। आप खुद एग्जाम में जाओगे ना तो तरस जाओगे कि मेरे से पहले क्यों नहीं जुड़े आप। मैं बोलता हूँ ऐसा ही होता है, बहुत सारे बच्चे बाद में आए कहते हैं मेरे को सर अफसोस होता था, काश मैं आपसे 2 महीने पहले से जुड़ा होता, और इस बार वही होने वाला है जो लास्ट टाइम में जुड़ने वाले। ठीक है, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, इन सब के हम बादशाह हैं। मैं खुलेआम कहता हूँ मैं जो पढ़ाऊंगा एग्जाम में आएगा 70-80% एज इट इज़ आने वाली है, बाकी कुछ लॉजिक बेस्ड आ जाते हैं और सिलेक्शन उनका हो जाता है। देखो रीज़न क्या है ना, मैंने खुद भी पहले एफकट क्रैक किया, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट क्रैक किया, जीडी क्रैक किया, इसके अलावा एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए, तो फिर उतना कुछ करने के बाद खुद एक्सपीरियंस हो जाता है कि क्या पढ़ना और क्या पढ़ाना है। तो ये काम आप ही करो, उसी बेस पर तैयारी करो, सिलेक्शन आपका फिक्स है। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।